नमस्कार न्यूज़ 11 को स्वागत करछि मु नम्रता। प्रथम नजर पकड़ा हेडलाइंस उपरे। देशरे लगातार 4 लाख तळकु खसुछि दैनिक संक्रमण, दिनकरे 3,43,144 नुआ आक्रांत, 4,000 मृत। सेपटे मोट आक्रांतक संख्या 2,40,46,809 को वृद्धि। राज्य में उपरमुहा करोना ग्राफ, दिनकरे 12,390 नुआ आक्रांत चिन्हट। खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 2,202 पॉजिटिव। सेपटे आज राज्य में सर्वाधिक 22 जनक जीवन नेला महामारी। आसंता काली पवित्र अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा आरंभ होबा सह अनुकूल होब रथ निर्माण कार्य। 21 दिन धरी नरेन्द्र रे जल क्रीड़ा करिवे मदन मोहन, छात उपरे रही दर्शन करिवे भक्त। मॉर्निंग, इवनिंग वॉक और साइकिलिंग को ना, लॉकडाउन रे रास्ता ऊपर को न आसीबा को पुलिस कमिश्नर का परामर्श। अमानिया को साबार करिब एनफोर्समेंट टीम। सेपटे कला बजारी और असाधु व्यवसायी ऊपर कड़ा नजर। एवं आसंता 15 जाए राज्य में लागी रहिबो काल बैशाखी। केन्दुझर और मयूरभंज जिला ऑरेंज वार्निंग जारी। संभाव्य प्राकृतिक विपर्यर मुकाबला लगी प्रस्तुत रहिबा को परामर्श। आसिबा संपूर्ण खबर को। राज्य में पुणी उपरमुहा करोना ग्राफ, आज पुणी 12,000 टपिला आक्रांतक संख्या। गत 24 घंटा 12,390 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 2,201 करोना पॉजिटिव चिन्हट होती। राज्य में आक्रांतक संख्या 5,88,687 को वृद्धि पाई। क्वारंटाइन 6,938 लोकाल केस 5,452 चिन्हट होती। तेज आक्टिव केस 1,04,000 बेले सुस्थ होती 4,82,345 जन। से सुंदरगढ़ 882, कटक्रु 719, संबलपुरु 677, अनुगुलु 532, बरगढ़ 507 आक्रांत चिन्हट होती। से मयूरभंजु 480, पुरी 469, जाजपुरु 436, झारसुगुड़ 413, भद्रकु 412 पॉजिटिव चिन्हट होती। एथसहित गंजामु 387, नवरंगपुरु 362, स्टेटपुलु 352, बालेश्वरु 340, नयागढ़ 301 आक्रांत चिन्हट होती। कोरापुटु 246, बौद्धु 228, कलाहांडी 210, केन्दुझर 208, नुआपड़ 204 पॉजिटिव चिन्हट होती। सेपटे रायगड़ 187, सोनपुरु 178, ढेंकानालु 174, गजपति 115, देवगढ़ 108, मालकानगिरी 103, कलाहांडी 102 आक्रांत चिन्हट होती। सेपटे राज्य में सर्वाधिक 22 जनक जीवन नहीं महामारी करोना। यह मिसाई राज्य में मोट मृत्यु संख्या 2,273 को वृद्धि पाई। देशरे लगातार 4 लाख तळकु खसुछि दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटा 3,43,144 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। तेज आज आक्रांत को मिसाई देश में मोट आक्रांतक संख्या 2,40,46,809 को वृद्धि पाई। एथसहित देश में दिनक 4,000 जनकर जीवन नहीं महामारी। यह मिसाई मोट मृत्यु संख्या 2,62,370 को वृद्धि पाई। तेज देश में 37,04,893 आक्टिव केस रही बेले 2,79,599 आक्रांत सुस्थ होती। एपर्यंत 17,92,98,584 डोज टीकाकरण हो। लॉकडाउन रे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और साइकिलिंग को मना। लॉकडाउन कटकणा संपर्क में मंतव्य देवा बेले ए सबू न करबाकू कहिसेंती पुलिस कमिश्नर सौमेन्द्र प्रियदर्शी। लॉकडाउन रा उद्देश्य घर बाहरी रास्ता ऊपर को न आसीबा, तेणु लॉकडाउन बेले वॉकिंग साइकिलिंग न करबाकू सीपी परामर्श देछंती। एहा सहित से कहिसेंती जे अमानिया को रोकिबा पई एनफोर्समेंट कड़ाकड़ी करा जायछि। एहा सहित जनसाधारण 100 को डायल करी पुलिस रा सहायता पाई परबे। पुलिस पक्षर घर को जा एफआईआर आणवार बंदोबस्त सीपी से वरिष्ठ नागरिकों एवं बाहाघर पर स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर जारी करा। अनेपटे कला बजारी असाधु व्यवसायी को चेतावनी देखते एडीजी। लॉकडाउन समय कौन व्यवसायी कला बजारी करुले कि कौन घर डाक्तखाना अधिक पैसा ने विरोध में कड़ा कार्यानुषान जनसाधारण पुलिस को अवगत करने आईन श्रृंखला एडीजी जसवंत जेठवा। कोरोना संक्रमण द्वितीय लहरी को रोकवाई राज्य सरकार सारा राज्य रे लॉकडाउन एवं सप्ताहांत शटडाउन घोषणा करमर द्वैत नगर जनसाधारण
लॉकडाउन एवं शटडाउन को पालन करिवारे कमिश्नरेट पुलिस जथेष्ट सहयोग करिछंती। कमिश्नरेट पुलिस एही समय रे जनसाधारण बंधु हिसाब रे फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करिछि। केवल आवश्यक स्थले जो आमे कहू अमानिया तांकु रोकिबा पई आमर एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करा जाइछि। एही जो लॉकडाउन रो गाइडलाइन मुताबक मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक साइक्लिंग आदि को निषिद्ध करा जाइछि। स्टेट वाइड आमर ड्राइव अगेंस्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ कोविड एसेंशियल आइटम्स एंड प्राइस जैकिंग बाय हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स एहा उपरे आमर नजर रहिछि। आमर ड्राइव चलिछि 22टा फ्लाइंग स्क्वाड गठन कराइछि आउ एडा जॉइंट टीम्स ऑफ क्राइम ब्रांच एसटीएफ आउ ड्रग इंस्पेक्टर्स सतत कार्यरत अछन्ति। प्रत्येक जिला तांकर विशेष सेल भाव रे तांकर स्क्वाड माध्यम रे एटा को नजर रखिछन्ति। एहा उपरे ड्राइव चलिछि, एहा उपरे रेड चलिछि। जदि कौनसी होल्डर किंबा ब्लैक मार्केटर आमर नजर को आसीबो कड़ा कार्यानुष्ठान तांकर उपरे ग्रहण करा जइबो। सेमिति जदि कौनसी प्राइवेट हॉस्पिटल नियम को बाहर जाय कि हायर रेट्स इलीगली आदाय करिवे ताहेले तांकर विरुद्ध रे मध्य दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जइबो। पिलांको टीका ट्रायल को मंजूरी, खूब शीघ्र शिशु और नाबालकों को टीका दिया जाए। 2-18 वर्ष वयस्कों को टीका ट्रायल पे अनुमति मिली। भारत बायोटेक को क्लिनिकल परीक्षा पे डीसीजीआई अनुमति प्रदान करा जाए। भारत बायोटेक को कोवैक्सीन टीका ट्रायल पे अनुमति दिया जाए। द्वितीय और तृतीय फेज ट्रायल पे डीसीजीआई को अनुमति मिली। 525 जन सुस्थ स्वेच्छासेवी ठारे एही परीक्षा हेबो। देश में कोविशील्ड टीकार चाहिदा तुलन में कम टीका उपलब्ध होउछी। यार भितर केन्द्र सरकार विशेषज्ञ कमिटी एक प्रस्ताव देछि जेउथिरे कहुछि जो माने कोविशील्ड टीकार प्रथम डोज नेछंती सेमाने द्वितीय टीका 12-16 सप्ताह पर नेबा दरकार। अर्थात प्रथम टीका और द्वितीय टीकार अवधि 4 मास पर एबे एहा 6-8 सप्ताह थिला। तेबे जो माने कोवैक्सीन नेछंती सेमानक क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करी नहांती सरकार। एबे कोवैक्सीन रो द्वितीय डोज जणे 6 सप्ताह पर नेबो बोली नियम रहिछि। सरकार को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्युनाइजेशन सरकार को एही परामर्श देछि। अक्टोबर 10 को घुंचिला यूपीएससी प्रिलिमिनरी परीक्षा। कोरोना संक्रमण वृद्धि हेबा फल रे परीक्षा घुंचाइबा को निष्पत्ति ने जाइछि। परीक्षा जून 27 रे हेबा को स्थिर होइतिला हेले कोरोना पई एहा को अक्टोबर 10 को घुंचाई दिया जाइछि। एने यूपीएससी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। यूपीएससी पक्षरु जारी करा जाइथिबा नोटिस रे लेखा जाइछि नोवेल कोरोना वायरस पई सृष्टि होइतिबा स्थिति कारणरु यूपीएससी रो प्रिलिमिनरी परीक्षा अक्टोबर 10 2021 को स्थगित रखा जाइछि। आसंता काली पवित्र अक्षय तृतीया। एही दिनठू महाप्रभुकर चंदन यात्रा आरंभ हेबा सह अनुकूल हेबो रथ निर्माण कार्य। 21 दिन धरि श्रीजीवंक चलंती प्रतिमा नरेन्द्र पोखरी रे जलक्रीड़ा करिवे। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु चंदन यात्रा एवं रथ निर्माण अनुकूल निमन्ते नीति निर्घंट प्रस्तुत करा जाइछि। अक्षय तृतीया, नृसिंह जन्म, नीलाद्री महोदय और भौरी यात्रा निमन्ते नीति निर्घंट प्रस्तुत होइछि। अक्षय तृतीया तिथि रे भोर 3टा रु श्रीमंदिर द्वार फट फिटा जिवो। एहा परे महाप्रभुक समस्त नीतिकांति परे अपराह्न 3टा रे द्वादश बंदापना करा जिवा परे दिन 3:30 रे श्रीजीवंक चलंती प्रतिमा रामकृष्ण मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी और पंच महादेव विमान को विजे करी नरेन्द्र पुष्करिणी को जलक्रीड़ा पई विजे करिवे। अपराह्न 4टा बेले रथ निर्माण अनुकूल पई श्रीजीवंक श्रीअंग लागि आज्ञामाला रथकला को विजे करिवो। वर्षा ऋतु को आखि आगे रखि बसिला जिला स्तरीय प्राकृतिक विपर्य कमिटी बैठक। पुरी जिला समर्थ वर्मा अध्यक्षतार बैठक अनुषित होता। एक बैठक में मंत्री श्री समीर रंजन दास, मंत्री श्री तुषारकांति बेहरा, जिला परिषद अध्यक्ष सत्यवादी विधायक श्री उमाकांत सामंतराय, पुरी सदर विधायक श्री जयंत कुमार षडंगी, ब्रह्मगिरि विधायक श्री ललितेन्दु विद्याधर महापात्र प्रमुख जोगद। आसंता वर्ष ऋतु में संभाव्य बन्या और बात्या मुकाबला करने संपर्क में सुचिंत मतामत प्रदान।
पानीपाग संपर्कित सतर्क सूचना प्रदान जिला नियंत्रण कक्ष कार्यक्षम बन्यारे क्षतिग्रस्त आशंका थिबा अंचल चिन्हट और मुकाबला निमंते अत्यावश्यक सरंजाम प्रस्तुत पाई विभागीय अधिकारी को जिलापाल निर्देश देइछंती। बन्या जल निष्कासन मोटर डंगा बात्या आश्रयस्थल प्रस्तुत सुखिला खाद्य स्वास्थ्य सेवा और औषध पानीय जल पशु खाद्य महजूद संपर्क में विशेष भाव आलोचना होइछि। चलित वर्ष रथयात्रा प्रस्तुत श्रीमंदिर प्रशासन बौद्ध बनखंडर गतकाली अष्टम पर्यायर दस खंड धौरा काठ आसी पूरी रथकला पहुंची। चलित वर्ष रथयात्रा मोट 865 खंड काठ आवश्यक बेले पूर्व वर्षर 69 खंड काठ बलका रही तेणु चलित रथयात्रा 796 खंड काठर आवश्यकता रही। तेज 796 खंड काठर आज पर्यंत मोट कटक खपुरिया करतकल को चीरट जा काठ को मिसाई 764 खंड काठ आसी बेले आउ 32 खंड काठ पर्यायक्रमे आसी पहुंच। पूरी श्रीमंदिर सेवायत को आर्थिक सहायता घोषणा कले श्रीमंदिर प्रशासन। करोना परिप्रेक्षी में प्रत्येक सेवायत परिवार को मिल 10,000 टंकार अनुदान 2,463 सेवायत परिवार को एही सहायता मिल। एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन 2,46,30,000 टंकार सहायता राशि घोषणा कर। पूर्व 4 किस्ती में 5,000 टंका लेखाएं करोना सहायता प्रदान करा। एबे करोना कटकणा जोगु सेवायत माने पुणी आर्थिक क्षति सामना करथुवारु सहायता राशि प्रदान करा जाइछि। मुख्य प्रशासक निष्पत्ति क्रमे एही सहायता संपर्क रे नीति प्रशासक सूचना दैछन्ति। सर्वसाधारण दर्शन बंद होचे बाहर भक्त मानकर दर्शन बंद रहबा द्वारा सेवक माने जहा उपकृत होवंती किछि तनो समस्त सेवक परिवार टिके आर्थिक दुस्थिति भितर गति करछन्ति। ताकू दृष्टि रखि श्रीमंदिर प्रशासन आपण मैंने जानते प्रथम जिते चली 4 इनस्टॉलमेंट प्रति परिवार को आमर सेवक परिवार समस्त को 5,000 लेखाएं यह 4 इनस्टॉलमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दि जाता। गतकाली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक निर्देश क्रमे आम 10,000 टाइम लेखे 2,423 सेवक फैमिली। राज्य में वृद्धि पाउछि कोरोना संक्रमण। संक्रमण को दृष्टि रखि कोविड मुकाबला बलांगीर को 2 कोटि टंका मंजूर करिछति राज्य सरकार। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 2 कोटि टंका मंजूर करा जाइछि। कोविड रो प्रथम लहर रे गत वर्ष विभिन्न पर्याय रे बलांगीर जिला को मुख्यमंत्री 12 कोटि टंका मंजूर करथिले। राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग प्रमुख शासन सचिव विष्णुपद सेठी सूचना और जनसंपर्क विभाग प्रमुख शासन सचिव भाव अतिरिक्त दायित्व ग्रहण कर। 1995 ब्याच आईएएस अधिकारी श्री सेठी वर्तमान ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव अतिरिक्त दायित्व सहित राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग प्रमुख शासन सचिव भाव कार्य कर। 1997 मसीहा ब्याच आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिंह भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रा कमिश्नर भाबरे नियुक्त हेबा परे से एही दायित्व ग्रहण करिछंती। दायित्व ग्रहण करबा परे विभागीय निर्देशक कृपा सिंधु मिश्र और वैषयिक निर्देशक निरंजन सेठी सहित आलोचना करिछंती। संबलपुर जिले में चिंता बढ़ाई कोरोना संक्रमण आउ एहारो चेन भांगिबा को कड़ा पदक्षेप ग्रहण कर जिला प्रशासन। किभली संक्रमण को रोका जाई पारिबो से नै नियाजाउछि पदक्षेप। अन्यपटे एकाधिक ओकिल पॉजिटिव हेबा परे कोर्ट ओकिल संघ कार्यालय को 15 दिनिया सटडाउन करा जाई छी। अन्यपटे जुजुमरा जयंतपुर पंचायत रे मध्य लागी छी 7 दिनिया सटडाउन। संबलपुर रे चिंता बढ़ाई कोरोना बढ़िवे लगी संक्रमित संख्या नियंत्रण पर जिला प्रशासन पदक्षेप। गत किद संबलपुर जिला सारा ओडिशा रे कोविड हॉटस्पॉट जिला भाव चिन्हट होता। गत एक सप्ताह मध्य संबलपुर जिला वकिल संघर बहु वकिल कोविड पॉजिटिव होगा दुई जनक जीवन नहीं महामारी। यह दृष्टि रखी जपरी आगक संक्रमण न व्यापक से जिला वकिल संघ कार्यालय को 15 दिन सटडाउन कर संघर सभापति प्रमोद रथ। वकिल संघ आड़ जो कोविड जो हिसाब से इनक्रीज होमर दुई दुईटा मेम्बर डेथ हो गलानी आज निष्पत्ति आगामी काल 15 दिन कंप्लीट सीज वर्क सटडाउन रोसी वकिल कौन कोर्ट को कम करेंगे नहीं
যে মুদারা যদি ফরওয়ার্ড হয়ে আসব সে তার পার্টি তার তার করব ওকিল কোর্টে কাম করবেনি এ বাবদরে আমি লিখিত ভাবে আমার মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জজকু আমি চিঠি দিয়ে দিয়েছি তাইঠু আমার কোর্ট বার বার অ্যাসোসিয়েশন কমপ্লিট 15 দিন বন্ধ রহিব। এনেই স্বতন্ত্র নির্দেশনামা জারি করা যাই জেলার বিচারপতিঙ্কু মধ্য অবগত করা যাইছি। অন্যপটে সম্বলপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল মধ্য কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতি জটিল হেবারে লাগিছি। ফলে জুজুমরা ব্লকর জয়ন্তপুর পঞ্চায়েতকু কোভিড সংক্রমণ চেন ভাঙ্গিবাকু সাত দিনিয়া সটডাউন করিছন্তি সরপঞ্চ। এই পঞ্চায়েতরে একাধিক কোভিড পজিটিভ চিহ্নট হেবা পরে এভলি পদক্ষেপ নেইথিবা কইছন্তি সরপঞ্চ সুরেন্দ্র ভুই। তবে অত্যাবশ্যক সেবাকু বাদ দেই সটডাউনকু কড়াকড়ি ভাবে পালন করা যাউথিবা দেখিবাকু মিলিছি। আমার পঞ্চায়েতরে দুইটা পজিটিভ বাহিরিথিবারু আমি দেখলু যে আগকে বড়বারকে যাচ্ছে প্রতি গাঁরে জ্বর তপ টিকি থা লাগি যাচ্ছে সে হিসাবে আমি দেখিকি পদক্ষেপ নিয়েছু আট দিন লাগে সটডাউন করছি। করোনা লাগে বলিকি সাপ যাই মনা করছন বন্ধ করছন আড়ে দিন লাগে বন্ধ করছন সটডাউনটা করছন দোকান বজার সব বন্ধ করছন সেগে দোকান বজার আর কিছু খুলবার নেই সব বন্ধ আছে লোক মানে স্ট্রিক আছেন মাস্ক পিন্ধুছেন আর সে বেশি মানে বাহারা বহি নাই করবার ডরুছেন সে। সম্বলপুর জেলার কোভিড সংক্রমণ হু হু বড়ি লাগি রহিবার সম্বলপুর জেলা ওকিল সংঘ এবং গ্রামাঞ্চলের জয়ন্তপুর পঞ্চায়েতকে সটডাউন ঘোষণা করা যাই আগামী 20 তারিখ পর্যন্ত এই সটডাউন জারি রহব হলে আগক জেলা প্রশাসন জেলা প্রতি কোন পদক্ষেপ নেছি তা অপেক্ষা অঞ্চলবাসী। সম্বলপুর অমলিন্দ নাক এমবিসি নিউজ। সারা ওড়িশারে কোভিড সংক্রমণ স্থিতি দিনকু দিন ভয়ঙ্কর রূপ নেউথিবা বেলে গজপতি জেলার স্থিতি মধ্য সঙ্গীন রয়েছে। হলে কেন্দ্র সরকার 18 বর্ষরু ঊর্ধ্ব যুববর্গঙ্ক পাই মে 1 রু টিকাকরণ করিবা কু ঘোষণা করিথিবা বেলে আজ যাই আরম্ভ হইপারিনি টিকাকরণ। তবে গজপতি জেলার যুববর্গ গঞ্জাম জেলায় পঞ্জীকরণ করি ভ্যাকসিন নেবা পাই প্রস্তুত হলেনি। সারা ওড়িশারে করোনা সংক্রমণ দ্রুত গতিরে বৃদ্ধি পাউথিবা বেলে সেথিরু বাদ পড়িনি গজপতি জেলা। কেন্দ্র সরকারঙ্ক ঘোষণা ক্রমে মে 1 রু 18 বর্ষরু ঊর্ধ্ব যুববর্গঙ্কু ভ্যাকসিন দেবা পাই স্থির করা যাইথিলা। কিন্তু আজি যায় গজপতি জেলার টিকাকরণ কার্য আরম্ভ হইপারুনি। ফলরে ভয়রে জেলার যুবকমানে কলে বয়ে কৌশলে ভ্যাকসিন হাসল করিবা পাই গঞ্জাম খোর্ধা ও অন্যান্য জেলা পঞ্জীকরণ করাই ভ্যাকসিন নেবা পাই দৌড়ুথিবা দেখিবাকু মিলিছি। মু গজপতি স্কুল বুক করিছি স্কুল মেল নাই তাই মু গঞ্জাম বুক করিছি স্কুল স্কুল মেল আগে মু এপে যে পরিস্থিতি চলছে তো টিকা নেবা পাই বাধ্য তো মু গঞ্জাম বুক করলি কালি নে টিকা গ্রহণ করি গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট। 18 বর্ষর অধিক টিকাকরণ পাই সরকার দেশ ডিক্লেয়ার করলা যে সেটা বহুত যুব ছাত্র আউ 18+ মানে সমস্ত খুশি হলে যারা বি টিকা টিকে পাই পারি বলি তারপরে সাইট ওপেন হেলা সাইটে বর্তমান সুদ্ধা বহুত 18 বর্ষ অধিক লোক রেজিস্ট্রেশন করছন্তি। রেজিস্ট্রেশন কলা পরে কেতে সাইরে খুলুছি কেতে সব খুলনি মা ম্যাক্সিমাম কেতে জন রেজিস্ট্রেশন করছন তা যাগু কি এইঠারে টিকা পাই পারনাতি। বর্তমান সুদ্ধা জিলারে যুব গোষ্ঠীঙ্কু ভ্যাকসিন দেবা পাই ভ্যাকসিনর অভাব থিবা বেলে এনেই রাজ্য সরকারঙ্কু যোগাযোগ মধ্য করা যাইছি। সেপটে ভ্যাকসিন আসিবা পরে টিকাকরণ যথাশীঘ্র আরম্ভ করা যিব বলি জিলা মুখ্য চিকিৎসক কইছন্তি। কোন ভ্যাকসিনেশন 1300 করছে কেবল গটি দিন যাব আর গমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই পয়েন্ট অফ স্টক আসছে আমি সেটা স্টেট এবং ভাগবন্টকে বলছি যে এরিয়ারে কোভিডর বহু প্রখর বেগে ব্যাপুছি সে এরিয়াকে অধিক ভ্যাকসিন দেওয়া যাচ্ছে আর যেটা টিকে কম ব্যাপুছি সেটা কম ভ্যাকসিন দেওয়া যাচ্ছে। তবে যুব গোষ্ঠীকে দৃষ্টি রাখি যথাশীঘ্র টিকাকরণ করিবা পাই সাধারণরে দাবি হয়েছি। গজপতির সন্তোষ কুমার পাঞ্চসিংহ রিপোর্ট এমবিসি নিউজ। জটণীরে দেখা দেইছি শবদাহ সমস্যা। বর্তমান কোভিড সময়ের কাহার মৃত্যু ঘটিলে অন্তিম সংস্কার পাই শ্মশান মিলিবা কষ্টকর হয়ে পড়ছি। জটণীরে যে কোনসে সরকারি জমি চিহ্নট করে স্থায়ী শ্মশান করিবা কু সাধারণরে দাবি হইছি। দেখিবা এই স্বতন্ত্র রিপোর্ট। জটণীরে দেখা দেইছি শবদাহ সমস্যা।
बर्तमान कोविड समय रे कहार मृत्यु घटिले अंतिम संस्कार पाई श्मशान मिलिबा कष्टकर होई पड़िछि। घंटा घंटा धरी पड़ी रहुछि मृतदेह, शेषरे पथर खणी अळिया गदारे करा जाउछि शव सत्कार। प्राय जगारे शवकु अधा पोड़ा अवस्था रे छाडी सेठारु भयरे आत्मीय सोचन माने चाली आसुथिबा देखिबाकु मिलिछि। खोर्धा जिला जटणी रे सरकारी नियंत्रण रे कोनोसि श्मशान नथिबारु एही सबु समस्या उपजुथिबा देखिबाकु मिलिछि। जिलापा निर्देश अनुजाई आम गोटे टेम्पोरारी शमशान आईडेटिफाई करूँ। आम आज से गोटे बैठक करूँ, से लोकाल कमिटी मेम्बर रखुचु, सेठिकार एक्स सरपंच, चेयरमैन, छणगर सरपंच, समी सेवा, चंडपुर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति, आम टाउन लोक मानक रखी गोटे कमिटी करूँ। निश्चिंत आम हिंदू धर्म नीति जो अच्छी आमर जो अच्छी जे जहाँ जमी आम शव सत्कार कराए तेणु जटणी अंचल सामूहिक भाव में जटणी रे विशेषतः जटणी म्युनिसिपालिटी गोटे श्मशान अस्थायी श्मशान करा उचित एवं जटणी म्युनिसिपालिटी तहसील एवं थाना तरफ स्वतंत्र भाव ससम्माने शवदाह करा उचित इतिपाई तुरंत पदक्षेप नियाजाउ नाले लोकों भितर असंतोष बढ़िब। कोविड मृतदेह पोड़ीबाकु नेइथिबा आत्मीय सोजन अनेक समय रे श्मशान निकटवर्ती बासिंदा विरोधर सम्मुखीन होउथिबा देखिबाकु मिलिछि। कोरोना संक्रमित संदेह रे लोके एपरि विरोध करुछन्ति, फळरे श्मशान निकटरु शव फेराई आनिबाकु पडुछि। अन्य उपाय न पाइ शव सत्कार पाइ पुलिस ओ प्रशासन को नेहुडा हेउछन्ति मृतकंक संपर्कीय। जटणी म्युनिसिपालिटी रो कोनोसी स्थान निर्धारण हे नाही जोंकि कोविड पेशेंट को पोड़ा तीन उदाहरण दिया कोविड तीन जन पेशेंट विभिन्न खाली जगार पोड़ा जाइए तेणु आखि आखि तले भुवनेश्वर यू 20 किलोमीटर हम किंतु सत्यनगर जो पोड़ा जा रहा दुई दुई जन ओएस अफिसर दायित्व रोचे गोटे खणी अच्छी खणी भितर नहीं पोड़ दौंस कि सरकार जगह अच्छी आपण मैंने जगह निर्धारण करतु पैसा आसूची पैसा खर्च करके श्मशान बनातु लोक मानक सेवा जोगा सबको कहीं असम्मान हम कि करूना ये प्रशासनिक अधिकारी खाली ये कौन सी प्रकार सुविधा करूना लोक मरुंच जो लोग मरुंच खबर से घर को सानिटाइज कराने लोक मैंने भयभीत भितर रोचे तेना जिलापा महोदय को मोर अनुरोध सरकारी जगह बाचिक श्मशान टेयरी करूँ जो समस्त सर्वदा हम। जटणी रे जेकोनसी सरकारी जमी चिन्हट कर स्थायी श्मशान करने को साधारण रे दाबी होई छी। खोर्धारु विश्वजित सामंतराय रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। केन्दुझर जिला कोविड हॉस्पिटल रे परिचालनागत त्रुटि खबर प्रसारित होबा परे सत्यासत जानिबा को अंटा भिड़ी बीजेपी। गत किछि दिन हेबो केन्दुझर कोविड मेडिकल रे 15 जन रोगी ऑक्सीजन अभाव रे मृत्यु, मेडिकल भितर जने संक्रमित रोगी खसी आसी बाहर मृत्युवरण करथिबा घटना सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि, जहार तदंत करबा को राज्य मुखपत्र दिलीप महांती नेतृत्व रे राज्य बीजेपी रो एक टीम केन्दुझर कोविड मेडिकल रे पहुंची स्थिति अनुधान करिछंती। डाक्टरखाना परिचालना करथवा उत्कल केयर रो अधिकारी सह आलोचना करथिले ऑक्सीजन अभाव रु रोगी मृत्यु हेबा ओ मेडिकल भितरु सुरक्षा बलय भांगी रोगी बाहर को जाई मृत्युवरण करबा घटना सत बोली जानिबा को पाइबा परे ए सब पई जिला पालन को दाई करबा सह जुडिशियल तदंत पई दाबी करछंती। ती कारण पे मरि जिवे सेटा पण ऑक्सीजन कारण माने ऑक्सीजन जोगे दिए पारला नै आ जेत एपट रे कहउछन ऑक्सीजन भरपूर अछि आ भितर जिलापाल तीनटी प्रेसमिट कर सारे से मिछटी घोड़ेवाई ये सब कथा को मिसेले गोटे कथा जना जना पड़ी जे कौटना कौटी ये कथा ये गणमृत्यु जिलापा परोक्ष भाव संप्रति अच्छी तेनाली आम आज एफआईआर तो करमर कॉल सेंटर अच्छी कॉल सेंटर समस्त को फोन कर गाँव में समस्त पाखे फोन ना गोटे एग्जाम्पल कौन जदि 130 पेसेंट अच्छी 20-30 एमती पर अच्छी जहाँ पाखे फोन ना सो तांको आमे इनफॉर्म करी पारु न थ्रू टेलीफोन आमे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इंटिमेट करूचु आउ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फनी ब्लॉक रे इनफॉर्मेशन देकी गाड़ी पठे के इनफॉर्मेशन करी। मालकानगिरी खैरापुट ब्लॉक कुडुमुलु गुमार मास चेकिंग बेले उद्धार हेले 5 नाबालिका। चेकिंग चलता बेले एक बोलेरो गाड़ी रे नाबालिका माने बसुवा देखा पाई स्थानीय तहसीलदार विजय मांडांगी संदेह पर सविशेष तथ्य संग्रह करते तेज संतोषजनक उत्तर न पाइबारु तुरंत चाइल्ड लाइन सह जोगाजोग करथिले। कुडुमुला गुमा चाइल्ड लाइन टीम सेठारे पहुंची 5 जन झियंक बयान नेथिले। एहा परे सेमाने मुदुलीपुडा
पदईगुड़ा ग्रामर और दादन ना बाहर राज्य आंध्र को जाथवार जानवाक लॉकडाउन सत्वे किए क्यों परिस्थिति में नाबालिका को काम करने झीव को चालन करते एथप्रति जिला प्रशासन दृष्टि देवा आवश्यक रही साधारण चर्चा हो आसिबा पानीपाग संपर्कित खबर को आसंता 15 तारीख पर्यंत राज्यर केतेक जिल्लारे काळो बैशाखी लागि रहिबो बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल गजपति और कंधमाल जिल्लार केतेक स्थानरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आकलन करा जाइछि। तबे मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर और गजपति जिल्लार गोटे दुईटी स्थानरे प्रबल वर्षा होइपारे। सेहिपरि 15 तारीख पूर्वान्न मध्यरे दक्षिण और उत्तर ओडिशार केतेक जिल्लारे काळो बैशाखीर संभावना रहितबारु येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती समयरे पागरे सामान्य परिवर्तन आसिबा सह तापमात्रा वृद्धि पाइबो बोली आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। समय शेष होइछि, बुलेटिन को एट रखुछु, नमस्कार।